वेलकम टू आवर चैनल ग्लोबल क्रिकेट। सीपीएल का जो पहला मैच है कुछ देर में स्टार्ट होने वाला है, दूसरा मैच है सीपीएल का सेकंड जो मैच होने वाला है, ये भी जो ग्राउंड है आपका वार्नर पार्क ग्राउंड में होने वाला है, सेंट किट्स के मैदान पे, वार्नर पार्क के मैदान में होने वाला है। इसका देखा जाए सेंट किट्स और बारबाडोस के बीच में ये दूसरा मैच होगा, सेंट किट्स और बारबाडोस के बीच में होगा। पिछले बार जो है सेंट किट्स जो बहुत ही कमज़ोर टीम थी, मतलब बहुत ज़्यादा मैच हारी थी और जीती थी। इस बार जो है गेल स्ट्रॉम आने वाला है, गेल जो है इस टीम में आज जुड़ने वाले हैं, तो हो सकता है कि टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे। अभी तो पिच पे ऊपर निर्भर करता है कि क्या है क्या नहीं है। अभी तक इस पिच पे देखा जाए सेंट किट्स जो है 24 मैच खेले हैं, मतलब सेंट किट्स का ये होम ग्राउंड है, 24 मैच में 11 जीते हैं, 11 हारे हैं, 2 ड्रा रहा है, मतलब 50-50 है। ज़्यादा चांसेस है कि वो पिछले सीजन में वो ज़्यादा हार गए थे, तो मेरे ख्याल से इस पिच पे उनका रिकॉर्ड थोड़ा अपना सुधारना चाहेंगे, क्योंकि अब गेल स्ट्रॉम बहुत सारे प्लेयर अपने साथ ऐड किए हैं। दूसरा देखा जाए बारबाडोस, बारबाडोस इस पिच पे 9 मैच खेले हैं जिसमें से 5 जीते हैं, 4 हारे हैं, मतलब कि इनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा है, मीन्स सेंट किट्स से ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड इनका बारबाडोस का है। अब इस वेन्यू के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वेन्यू जो अभी पिछला जो मैच हुआ था, इंटरनेशनल जो मैच हुआ था, आयरलैंड वर्सेज वेस्ट इंडीज़ के बीच में हुआ था, जिसमें कि आयरलैंड 138 रन मारा था पहले बैटिंग करते हुए, और वेस्ट इंडीज 140 रन एक विकेट पे जीत गया था, जिसमें कि आपको सैमोस ने अच्छा खासा स्कोर किया था। उसका दूसरा जो मैच देखा जाएगा, अब ये सीपीएल का मैच देखा जाएगा, तो सीपीएल में जो है एसकेएन वर्सेस टीकेआर का जो बीच मैच हुआ था, तो 216 रन का स्कोर बनाया था 4 विकेट पे ही, और उसका 216 रन 7 विकेट, मीन्स कि बहुत ही रनों से भरा हुआ पिच है। स्टार्टिंग जो सेकंड मैच जो हुआ था उसमें एसकेएन और टीकेआर के बीच में, उसके बाद फिर देखा जाएगा एसकेएन और एसएलजेड के बीच में यहां मैच हुआ था 138 9 विकेट पे और 147 4 विकेट पे, मतलब जितने भी रन बनाए हैं सब करीब करीब चेसेबल है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि चेस नहीं कर सकता, जितना भी स्कोर कीजिएगा चेसेबल है। यहां का जो हाईएस्ट स्कोर है 242 है, 242 वो भी किसने बनाया था, सेंट किट्स ने ही बनाया था। उसके बाद देखा जाएगा तो एसकेएन वर्सेस गुयाना जो है 121 पे 10 और 122 पे 3, यहां का लोएस्ट स्कोर जो है 80 रन है, लोएस्ट जो होगा 80 रन है लोएस्ट स्कोर। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि सेंट किट्स और बारबाडोस के बीच में जो है प्लेइंग 11 कौन सा होगा, उसके बारे में भी हम लोग टीम के बारे में बात कर लेते हैं। सेंट किट्स, सेंट किट्स का जो है ओपनिंग करने के लिए क्रिस गेल और इवन लुइस बहुत ही अच्छे प्लेयर है, इवन लुइस सबसे ज़्यादा अच्छे हैं मेरे ख्याल से क्रिस गेल से। क्रिस गेल का सिर्फ हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा रन मारेंगे, बहुत ज़्यादा रन मारेंगे मेरे ख्याल से, लेकिन इनको हम डाउटफुल प्लेयर में रखेंगे, क्योंकि ये या तो पहले मैच में बहुत रन मारेंगे या तो जीरो पे आउट हो जाएंगे, चाहे 10-15 रन आएंगे, जिससे कि ड्रीम टीम का वो हिस्सा नहीं बन सकते हैं। लेकिन इवन लुइस जो है हमारे सबसे बेस्ट प्लेयर में निकालेंगे, तो मैंने पहला सबसे प्लेयर जो है इवन लुइस। दूसरा देखा जाएगा जेडी सिल्वा विकेट कीपर के रूप में उतना अच्छा खासा स्कोर नहीं कर पाते हैं, फर्स्ट डाउन हो सकता है कि वो ना आ पाए, हो सकता है नीचे आए, क्योंकि रवि बोपारा अली है, रदरफोर्ड है, हो सकता है उसके नीचे आए बैटिंग करने के लिए, तो मेरे ख्याल से जेडी सिल्वा को भी आप नहीं रख सकते हैं अपनी टीम में, या तो डाउटफुल में रख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जेडी सिल्वा का जगह नहीं बनता है अगर टीम इलेवन में। रवि बोपारा जो इनका एक सबसे बेस्ट प्लेयर है, रवि बोपारा को देखा जाएगा तो फर्स्ट या सेकंड डाउन आते हैं बैटिंग करने के लिए, और बॉलिंग में भी 4 ओवर अपना महत्वपूर्ण ओवर डालते हैं, जिसमें एक आध मीटर भी फेंक देते हैं, और मीडियम पेसर जो है मीडियम पेसर स्लो बॉल वेस्ट इंडीज के पिच पे, मीडियम पेसर स्लो बॉल खास करके सेंट किट्स के मैदान पे बहुत फायदेमंद है, तो ये सबसे बेस्ट प्लेयर है आपके रवि बोपारा। एक टीम का तो एक कैप्टन आप आराम से बनाएगा, रवि बोपारा को बेस्ट कैप्टन बनाना ही पड़ेगा आपको। फिर एक है आसिफ अली जो है पाकिस्तान का, मेरे ख्याल से वो निचले क्रम पे आते हैं, ज्यादा से बैटिंग नहीं कर पाएंगे, रदरफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। फेबियन एलन को डाउटफुल प्लेयर में आप रख सकते हैं, इसलिए क्योंकि फेबियन एलन को रीज़न क्या है कि फेबियन एलन निचले क्रम पे आके बैटिंग बहुत लंबा हिट मारते हैं, प्लस इनके साथ बॉलिंग का है, 4 ओवर का कोटा कभी कभी पूरा नहीं कर पाते हैं, रन पिटा जाता है, शॉर्ट बॉल ज़्यादा डालते हैं, इसके कारण फेबियन एलन को मैंने डाउटफुल में रखा है। और एक जो है आपका डी ब्रेबो, ये अपने 4 ओवर का कोटा करेंगे, लास्ट के 4 ओवर करेंगे कोटा, जो 16 से 20 के ओवर में होता है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 के ओवर करते हैं, और 2 से 3 विकेट 4 विकेट इनको निकालना ही है, तो डी ब्रेबो को आप रख सकते हैं। मीडियम प्रेशर बॉलर बहुत ही अच्छे हैं, बॉल को घुमाते हैं, और आर अमृत जो कैप्टन है इनके, बॉलिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, तो मेरे ख्याल से 5वां में आर अमृत को भी आप रख सकते हैं। अभी हम लोग विपक्षी टीम का प्लेयर भी देखेंगे कि उनको रखना है नहीं रखना है, उसके हिसाब से रखेंगे। इसमें 5वां में भी ये डाउटफुल प्लेयर में आएंगे, 6ठा में भी जो है क्रिस गेल को हम लोग रख सकते हैं डाउटफुल प्लेयर में ही।
एफ अहमद, एस कॉटरॉल। एस कॉटरॉल जो है स्टार्टिंग में दो ओवर करेंगे, दो ओवर में उनको विकेट नहीं मिलने वाला है, उसके बाद अगर दो विकेट करते हैं तो हो सकता है एक आध विकेट मिल जाए, लेकिन ड्रीम टीम का हिस्सा वो नहीं बनेंगे, इसलिए हम एस कॉटरॉल को हम लोग नहीं रखेंगे। एफ अहमद हो सकता है कि वो विकेट ले, लेकिन ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर हम लोग का 11 प्लेयर चूज हो जाता है उसके बाद फिर हम लोग एफ अहमद और एस कॉटरॉल के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से इसमें ड्रीम टीम में ये हिस्सा नहीं होंगे, क्रिस गेल ले लेंगे, उससे ज़्यादा पॉइंट क्रिस गेल दे सकते हैं। हम लोग देखते हैं बारबाडोस के टीम का खिलाड़ी है। बारबाडोस का जो प्लेयर है बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे प्लेयर इसमें भरे हुए हैं, ऑलराउंडर भी भरे हुए हैं, जिसमें से कैप्टन जो है जेसन होल्डर सबसे बेस्ट प्लेयर हमारे ख्याल से लगते हैं, कैप्टन बहुत अच्छे हैं। ओपनिंग करने आएंगे जे चार्ल्स और साई होप। ऑलरेडी विकेट कीपर के रूप में हम लोगों ने जोर्डी सिल्वा को नहीं रखा था क्योंकि साई होप को रखना था, इसलिए सेवा में साई होप। आठवां प्लेयर जोनाथन चार्ल्स, ऑलरेडी आप वेस्ट इंडीज में जब भी आप टीम बनाइएगा तो दोनों टीम का ओपनर को जरूर रखिएगा क्योंकि वो ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकते हैं। कभी भी कोई भी प्लेयर जो है 100 प्लस पॉइंट भी ला सकता है क्योंकि वो पावर प्ले में अच्छा खासा स्कोर करता है। जी फ्लिप्स जो है, जी फ्लिप्स को हम अपने टीम में नहीं रख रहे हैं, जगह इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये स्पिन के जाल में फंस जाएंगे, ओवरसीज प्लेयर है, मतलब ये फास्ट स्पीड पर ज़्यादा खेलने का है, इसलिए मैंने जी फ्लिप्स को मैंने नहीं रखा है। कैल मार्स, कैल मार्स को देखा जाएगा तो ये ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं और बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन आएंगे तो के मार्स भी आपके टीम में एक जगह बनाएंगे। के मार्स को भी आप अपने टीम में रख सकते हैं। साई होप, जेसन चार्ल्स तीन हो गए, उसके बाद टी पेरेरा और जेसन होल्डर। टी प्रेरा जो है मीडियम पेस का बॉलिंग करते हैं, विकेट चपटाने का भी अति रखते हैं जैसे डेविड ब्रावो करते हैं वैसे तरह, और निचले क्रम में आते हैं, बहुत लंबा हिट मारते हैं और वेस्ट इंडीज़ का ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है और अदर ग्राउंड के मुकाबले। जेसन होल्डर को देखा जाए तो कैप्टन है, कैप्टन पाली भी खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर में आते हैं, बैटिंग करते हैं और ओपनिंग बॉलिंग भी कर सकते हैं या लास्ट में बॉलिंग कर सकते हैं, तो जेसन होल्डर को रख सकते हैं। मेरा तीन डॉट प्लेयर थे जी क्रिस गेल, आर अमृत और फेबियन एलन। फेबियन एलन के बाद हम लोग देखते हैं कि हेडन वॉल्स, आप हेडन वॉल्स को भी रख सकते हैं, एस्लन रस को रख सकते हैं, मोहम्मद आमिर को रख सकते हैं, समित पटेल हो सकता है इस मैच का हिस्सा ना हो। मैंने इनको 12वां प्लेयर में रखा था समित पटेल को, लेकिन ये मेरे ख्याल से इस मैच में हिस्सा ना लो। अगर समित पटेल खेलते हैं, अगर समित पटेल का अगर लाइनअप में चुनाव आता है तो मेरे ख्याल से समित पटेल को इसमें एक टीम में जगह मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हेडन वॉल्स, एस्लन रस, ये दोनों में से एक प्लेयर को रख सकते हैं। मोहम्मद आमिर को मैं नहीं रखूंगा, मोहम्मद आमिर फास्ट पिच पे ज़्यादा मदद करते हैं, स्लो बॉल बहुत कम करते हैं, स्लोअर बॉल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि ये जो वेस्ट इंडीज़ का पिच है जो स्लोअर बॉल जो मीडियम फास्ट करते हैं उनको सबसे ज़्यादा मदद करता है, इसलिए एस्लन रस या हेडन वॉल्स 12वां प्लेयर जो होंगे। अब ये 12 प्लेयर में से जो हम लोग डाउटफुल प्लेयर क्रिस गेल को रखा था, क्रिस गेल को हम लोग अपनी टीम में रख लेंगे, जगह ले लेंगे। आर अमृत को भी रख सकते हैं, फेबियन एलन, ये तीन जो बॉलर हैं, तीन नंबर और ये तीन, इस तीन में से एक को आप रखिएगा अपने टीम में, जिससे कि आपको और जो कैप्टन बनाना है, कैप्टन बनाने में क्रिस साई होप को भी एक कैप्टन बना सकते हैं आप कैल मार्स को तिसारा पेसेरा कैप्टन हो सकते हैं, एक तिसारा पेसेरा, एक रवि पपारा, एक डीजे ब्रावो, इस तीन में से आप किसी को भी कैप्टन बनाइए। मेरे ख्याल से आप रवि पपारा को कैप्टन बनाइएगा तो आप इधर से साई होप को वीसी बना सकते हैं। जब एक टीम में रवि पपारा कैप्टन बनेंगे तो साई होप वीसी बनेंगे, अगर आपका तिसारा पेरेरा कैप्टन बनते हैं इस साइड से तो आपको एविन लिवस वीसी बनेंगे, अगर एविन लिवस कैप्टन बनाते हैं एक में तो आपको जोनाथन चार्ल्स को वीसी बनाना पड़ेगा, और एक में जोनाथन चार्ल्स को कैप्टन बनाइएगा तो आप क्रिस गेल को वीसी बनाइएगा। इस तरह से चार पांच टीम, जो भी छह टीम बनेगा, जिसमें से अगर आप तिसारा पेरेरा को कैप्टन बनाते हैं, एक ऑलराउंडर, एक बैट्समैन, एक बैट्समैन, एक ऑलराउंडर, एक ओपनर, एक ओपनर, इस तरह से करके ग्रैंडिक जीतना है तो ये कम्बिनेशन आपको लेना पड़ेगा। कम से कम छः टीम, मिनिमम छः टीम आप बनाइएगा तभी आप किसी भी मैच का ग्रैंडिक जीत सकते हैं। विकेट कीपर के रूप में आपने साई होप को लिया है, एक आध मैच में उनको कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं क्योंकि साई होप बहुत दिन से बैटिंग नहीं की है, बहुत दिन से उनको क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने को भी नहीं मिला है, तो हो सकता है कि उसका बदला ले वो इस मैच में मार के रन स्कोर करके ले सकते हैं। इस तरह से आप अपना टीम बनाइए, ड्रीम टीम बनाइए और ड्रीम लीग जीतिए, ग्रैंड लीग जीतिए, स्मॉल लीग जीतिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन बटन पर हिट कीजिए जिससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।